साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बदलाव का अपना अपना तरीका होता है। कोई शादियों में जाकर के महापुरुषों के चित्र भेंट करता है तो कोई गमले भेंट करता है। मेरी मुलाकात विजय प्रताप सिंह जी से हुई, बाराबंकी के रहने वाले हैं, शिक्षक भी हैं। इनका बदलाव का अपना तरीका है, तो इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये गमले के वितरण की शुरुआत आपने कब से की। ये सर, इसकी शुरुआत तो हम काफी पहले से कर चुके हैं, लेकिन इसको हमने जो है नया रूप दिया, एक साल हो गई। क्या क्या तरीका है, कैसे ये वितरित करते हो? ये वितरित करते हैं जैसे किसी का जो है जन्मदिन हुआ या शादी हुई या कोई भी मांगलिक कार्य हुए, तो मेरा प्रयास रहता है कि क्यों ना जो है कुछ गिफ्ट के साथ साथ पर्यावरण से जुड़ते हुए भी गिफ्ट दिया जाए तो एक यादगार बना रहे। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट किए तो वो एक साल बाद जब वो फोटो खींच के भेजते हैं कि विजय भैया, ये आपके एक साल पहले आपने जो दिया था, आज उसमें देखिए फल लगे हुए हैं या फूल लगे हुए हैं, एक अलग खुशी होती है। और यही तभी तकरीबन कितने लोगों को अभी तक इस तरह लगभग हम 3 से 4 हजार डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं गमले। हाँ, ये हमारा अनवरत चल रहा है और मेरा प्रयास ये है कि मैं वेतन का अपने 7 से 8 हजार रुपए पर्यावरण पर व्यस्त करता हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं बुके वगैरह नहीं भेंट करता जी, जी। और जहां भी जाता हूं तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यही भेंट करता हूं, तो जब से ये काम आपसे कर रहे हैं अंदर से कितना आपको ये सर लगा? इसकी शुरुआत सर हुई, हम जो है 2016 में डिप्रेशन में चले गए थे, तो डिप्रेशन में मेरा 6 महीने इलाज चला आरके ठकला सल का। तो वहां पर जब हमें जो मेरी काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में यही प्राकृतिक चीजें दिखाई जाती थी, सब प्राकृतिक हरियाली उसी के ऊपर ज्यादा। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना अपने को ही प्राकृतिक में ढाल लिया जाए, और तभी से मुझे ये प्रेरणा मिली। उसी से मैंने मतलब, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि लगभग 2-2.5 साल इलाज चलेगा आपका, फिर मैंने 6 महीने बाद इलाज बंद कर दिया और अपने को पूरा पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दिया। मतलब दिन रात जो है पर्यावरण के बारे में सोचना, कैसे पेड़ उगाए जाएं, कैसे लगाए जाएं। हमने जो है जो बेस्ट पॉलीथीने होती हैं जो लोग फेंक देते हैं घरों में, जैसे पंजीरी देहातों में पंजीरी की है, आपकी जो है चाय की है, टाटा साल्ट की है, इन पॉलीथीनों को कलेक्ट करके और इन बेस्ट पॉलीथीनों से अपने विद्यालय में बच्चों द्वारा स्वयं नर्सरी तैयार करवाई। जो बेस्ट पॉलीथीने होती हैं उनको, क्योंकि मतलब कुछ पौधे जो हैं देहातों में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे नीम है, फरेन है और आम है, तो इन छोटे छोटे पौधों को हम कलेक्ट करके उन पॉलीथीनों में उगाते हैं। उगाने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हम डोनेट कर देते हैं। कोई संगठन भी है आपका? मैं प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़ा हूँ और उसका देवा ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं शिक्षक संघ के लोग सहयोग करते हैं इसका? नहीं, हाँ सहयोग मिल रहा है, पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाराबंकी में एक अच्छी शुरुआत हुई, लोग जो है बुके के स्थान पे गमला भेंट करना शुरू कर दिए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे मिल रहा है। ये आपके साथी हैं, आप भी शिक्षक हैं, इस तरह का काम करते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, और हम लोग भी इनके इस सहयोग में, मतलब इनके सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं, और कहीं भी होता है जैसे ये इनको मोबिलाइज करने में या इनकी हर तरह की मदद करने में शिक्षक समाज या जो भी संगठन, शिक्षक समाज में भी कई संगठन है, लेकिन सभी लोग इनका सहयोग करते हैं। और ये खुशी क्या, मतलब हर एक प्रकार से पर्यावरण से, क्योंकि हम लोगों के नेचर में भी है और हम लोगों के कार्य प्रणाली में भी आता है विद्यालयों में, इनसे भी प्रेरित होकर हमने भी अपने विद्यालय में कम से कम 10 पेड़ जो एक होता नहीं कि उसमें वन विभाग द्वारा भी भिजवाए जाते हैं, जब भिजवा दिए जाते हैं तो पूरे नहीं उग पाते हैं बाउंड्री वगैरह ना होने के कारण, लेकिन काफी पेड़, 10-12 पेड़ हमने भी अपने विद्यालय में उगाए हैं जो काफी बड़े हो गए हैं। उससे उसका फायदा बच्चों को मिल रहा है, छाया में, गर्मियों में बाहर बैठने में, खेलने में। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसके साथ साथ मैंने जो एक जो है जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, संयोग से 2016 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई और उस विद्यालय में केवल एक जामुन का पेड़ था, और वो विद्यालय की स्थिति ऐसी थी कि वो ऊसर में बना हुआ था, जहां पर सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेड़ लगाया जाए तो चले कैसे, और पूरा अराजक तत्वों से भरा हुआ था। तो मैंने कई बार प्रयास किया पेड़ लगाने के, लोग पेड़ उखाड़ देते, फिर हमने क्या थोड़ा प्रयास किया कि जितने भी वो अराजक तत्व वाले थे लोग उनसे दूर भागते, हम उनसे दोस्ती की, हमने कहा भैया विद्यालय आपका है, हम 4 दिन रहेंगे। तो खैर उन लोगों का सहयोग मिला, और उसके साथ साथ मैंने अपने बच्चों से एक मुट्ठी खाद, एक मुट्ठी मिट्टी अभियान चलाया, क्योंकि हम जिस गांव में हैं उस गांव में सहयोग से लोगों का आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था, सहयोग आर्थिक सहयोग का मतलब ये कि उस गांव में मिट्टी भी नहीं मिलती थी। तो मैंने क्या किया, बच्चों से एक मुट्ठी मिट्टी अभियान चलाया, और उसका मतलब ये हुआ कि जब हम
सैटरडे के बाद जब बच्चे हमारे मंडे को आते थे, हमने बच्चों से कहा कुछ ना करिए, आप लोग एक एक मुट्ठी, दो दो चार चार मुट्ठी लेकर के थोड़ी थोड़ी पॉलीथीन या पन्नी या जो झोला है तीन चार लोग कलेक्ट करके झोला में। तो इससे क्या हुआ, अभी जो है मेरा विद्यालय बिल्कुल हरा भरा हुआ है। आज कैंपस में लगभग 100 से अधिक पेड़ हैं और मेरा विद्यालय ऐसा है कि 80 गमले अभी हमने जल्दी 80 गमले उपलब्ध करवाए हैं जिसमें बच्चों के नाम हैं। गमले हम उपलब्ध कराते हैं, बच्चे मिट्टी लाते हैं, पौधे उपलब्ध कराते हैं, बच्चों के नाम है, बच्चे सुबह आकर के सभी सारे गमलों को देखते हैं और एक अलग खुशी होती है। नेशनल जनमत का हमेशा एक मानना रहा है कि आप समाधान पर चर्चा करिए। समस्या तो है कि पौधे गायब हो रहे हैं, वृक्ष नहीं मिलते हैं, छाया नहीं मिलती है, लेकिन समाधान के लिए प्रयास कौन कर रहा है? इस तरह के लोग समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं शिक्षक हैं, कोई संगठन भी नहीं है। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ना कोई संगठन की जरूरत है, स्वप्रेरणा की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। तमाम सारे विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। जब आप भी इन्हीं की तरह किसी शादी व्यवहार में, शादी वगैरह में जाइए तो गमले दीजिए, महापुरुषों के चित्र दीजिए, बहुत विकल्प हैं। बुके वगैरह का सिस्टम अब खत्म करिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।